तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल ही जीरो से इंग्लिश, जिसको आप कह सकते हैं पूरा एकदम जीरो से, पूरा एकदम बेसिक से। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं बचपन में मतलब अल्फाबेट वर्णमाला को सही तरीके से नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण मुझे इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसलिए मैं पूरा एकदम वर्णमाला लेकर के आया हूँ जो कि आप बचपन में पढ़ते हैं, और किसी तरह अगर मान लीजिए बचपन में आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आज आपको पूरा वर्णमाला सिखाऊंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाऊंगा, मतलब धीरे धीरे मैं वर्ड्स पर ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको पढ़ने के लिए सिखाऊंगा। तो मैं बस यही कहूंगा कि ये पहला वीडियो है, आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा आगे, और आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह है, देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है पूरा। तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट का मतलब हो जाता है वर्णमाला, और आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में जो है टोटल, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल आपका 26 लेटर होते हैं, और वही अगर हिंदी की बात करें तो इसका डबल कर दिए यानी कि 52, यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में 26 और हिंदी में 52, इतने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, और यही से हमारा पूरा वर्ड तैयार होता है। उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वर्ड से, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ सीखेंगे, बस पहला वीडियो है, आप एकदम देखिए इसको। अब देखिए सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, यह है वर्णमाला, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अल्फ़ाबेट में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन वर्ण होते हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये आपका स्वर वर्ण है, हिंदी में जिसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यह स्वर वर्ण है, इसके बिना मतलब लेटर अधूरा हो जाता है, मतलब वर्ड अधूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये है स्वर वर्ण, इसको पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे और कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा पहला जो लेटर है वो है अ, ठीक है, इसको अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ का जो अंग्रेजी होता है यहाँ पर ए होता है, क्या होता है ए, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से मैंने लिख दिया है, और देखिए दूसरा है हमारा आ, इसके लिए आप देखिए संक्षिप्त में ए भी यूज करिएगा तो चलेगा, लेकिन डबल ए इनका इंग्लिश होता है इसे एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका दूसरे का क्या हो जाता है आपका आ का क्या हो जाता है, ये है आ, इस ये इसको पढ़ेंगे आ, मतलब ए से लिखेंगे या फिर डबल ए से, ठीक है। जैसे आप कभी आप लिखते हैं, आप कभी लिखे होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर यहाँ समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कभी आप लिखते होंगे यहाँ पर जैसे आम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ना इससे है आ आम, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, डबल ए उसके बाद फिर एम का म का एम, ठीक है, मतलब म का क्या हो जाएगा एम, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ रहे। इसको क्या पढ़ेंगे आ म आम, मतलब ये नहीं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं ओ आ का, तो इसे आपको नहीं पढ़ना, इससे क्या होता है गलत हो जाता है, समझ रहे मेरे दोस्त। तो आपको ओ आ का नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना आ, ठीक है। देखिए अगला जो लेटर है हमारा वो है ई, इसको भी ई पढ़ते हैं, इसको भी ई पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं छोटी ई, इसको बड़ी ई, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि आपको बोला जाता है इसको हर्षही और इसको दीर्घही, तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप अल्फाबेट के अनुसार पढ़ने के अकॉर्डिंग सोचें तो इसको हम ई पढ़ेंगे, इसको भी और इसको भी ई, ये छोटी ई, इसको बड़ी ई, आप हर्षही दीर्घही भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, छोटी ई बड़ी ई। देखिए छोटी ई के लिए आप क्या क्या लगाइएगा, आई लगाइएगा, और यहाँ पर देखिए बड़ी ई के लिए आप क्या लगा सकते हैं, डबल ई लगाइएगा, कहीं पर वाई भी हो जाता है, कहीं पर क्या हो जाता है आई भी हो जाता है, ठीक है। संक्षिप्त में लोग आई भी लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी क्या क्या है आपका, डबल ई हो सकता है, वाई हो सकता है, या फिर आई भी हो सकता है, ठीक है, संक्षिप्त में। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दीर्घिका ही कोदीर्घी का है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोदीर्घी का है, तो कहीं पर क्या करते हैं कोई डबल ई लगाते हैं, ठीक है, मतलब डबल ई, और कोई शॉर्टकट में क्या करते हैं के आई भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी चलेगा संक्षिप्त में, तो इसलिए मेन आपको क्या देखना है, यहाँ ई छोटी ई के लिए आई और बड़ी ई के लिए डबल ई, वाई या फिर आई, ये तीनों में अलग अलग मतलब कंडीशन में अलग अलग वर्ड के साथ यूज होता है, हम आपको आगे एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिखा है हर्षहु, ये है जिसको हम लोग ऊ बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऊ बोलिए आप, हर्षहु मत बोलिए, ऊ बोलिए, ठीक है, ये छोटी ऊ या बड़ी ऊ, ठीक है। तो उ जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पर जैसे सूरज लिखते हैं आप, ठीक है, सु, ठीक है, मान लीजिए आपने सूरज लिखा, ठीक है, तो सु उ है यहाँ पर, देखिए उ ये
आप इस ऊ को तो छोटी ऊ को तो यू से लिखेगा, लेकिन बड़ी ऊ को डबल ओ से भी लिख सकते हैं या फिर यू से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप कभी सुने होंगे पूजा, ठीक है, तो ऊ है इसमें, इसमें बड़ी ऊ लगा हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पी डबल ओ जे ए, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर पी यू जे ए भी लिख देते हैं। मतलब देखिए यहाँ यू से भी हो रहा, तो कहने का मतलब है बड़ी ऊ को जो है आप डबल ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं और सिंगल ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो हो गया हमारा। उसके देखिए ये है हमारा ए, ठीक है, ए ए को जो हम लोग करेंगे वो ई से डिनोटेट करेंगे, ई से जहाँ पर भी लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है के, जैसे केरल होता है तो हम क्या करेंगे के ई से लिखेंगे, क्या लिखेंगे के ई से, मतलब ई से होता है। और अगर ए आ जाए, ठीक है, ए, ठीक है, तो यहाँ पर ए आई से इसको हम लिखेंगे जब भी लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखना होगा ए आई से हम लोगों को लिखना होगा, किसको, इसको, ठीक है, अगर मान लीजिए ए आ गया तो, ठीक है। उसी तरह से देखिए फिर ए आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है ए, ठीक है, तो अगर ए आ रहा है तो क्या लिखेंगे ए आई से। अब देखिए ये है हमारा ओ, क्या है ये ओ, अगर इसको आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, ओ से लिखिएगा, ठीक है। मतलब देखिए इसमें क्या है कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये नाम लिखने में हर जगह मतलब इंग्लिश पढ़ने में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ओ, मतलब ओ है ये, और ये ओ से लिखते भी है इंग्लिश में भी ओ, ठीक है। अब देखिए ये है ओ, ठीक है, ओ ये क्या है, तो यहाँ तक ए देखिए, ए का ए आई, ओ का ओ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ओ, ठीक है, तो ए यू, कहने का मतलब ये है ओ को हम लोग ए यू से भी लिख सकते हैं या ओ यू से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके सामने, देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं सन हौला, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैसे लिखेंगे एस ए एन एच ओ यू भी कुछ लोग लिखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं एस ए एन एच ए यू एल ए, मतलब ये भी आपका सही है एच ए यू या एच ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर ओ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ओ, आगे हम आपको बताएंगे ये 12 खड़ी इसका, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है हमारा अन, चूंकि देखिए ये जो बिंदा आप देख रहे हैं टिकली, इसके लिए एन का इस्तेमाल होता है, ये न का उच्चारण देता है, किसका उच्चारण देता है न, ठीक है, तो अन है ये, तो ए हो गया इसके लिए अ के लिए, ठीक है, उसके बाद एन हो गया यहाँ पर, तो अन हो गया। अब देखिए अ, ठीक है, ये जो दो को बिंदा है ये एच का यहाँ पर मतलब साउंड देता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए और एच, मतलब अ, ठीक है, इस तरह से हम क्या लिखेंगे इसको आ, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग लिखते हैं अतः, ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखना होगा तो क्या देंगे एच, ठीक है। तो ये आप इसी को किसी लेटर में भी जोड़ सकते हैं, यही है एक तरह से 12 खड़ी खा सकते हैं आप, ठीक है, 12 खड़ी इसी को भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क में आप क में आ कर जोड़ सकते हैं, क में हर्षी कर जोड़ सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो यह था हमारा स्वर वर्ण, इसका इंग्लिश आपने देख लिया, इस तरह से इसको पढ़ा भी जाता है, इसको आप जनरली ई पढ़ें, इसको भी ई पढ़ें, बड़ी छोटी तो अच्छा रहेगा, ऊ पढ़ें इसको, बड़ी ऊ पढ़ें, ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए अब ये तो था हमारा स्वर वर्ण इतना तक, हिंदी में इसको अ आ आ आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ अन विसर्ग, ठीक, अविसर्ग, ठीक है। तो ये सब जो है क्या कि ये सब जो है हमारा स्वर वर्ण है, ये क्या है हमारा स्वर वर्ण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण की तरफ, ठीक है। देखिए व्यंजन वर्ण में क्या क्या है, जैसे हमारा यहाँ पर क है, क ख ग घ अंग, तो के से देखिए के, मतलब के यहाँ पर भी है के क, ठीक है। ख से देखिए ख, अब आप अगर सुनिएगा ख को अच्छा से तो ख, ख में नहीं लग रहा है कि एच आ रहा है, ह आ रहा है, ठीक है, तो ह का अंग्रेजी एच होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ख, मतलब के एच, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जी से ग, ठीक है, ग जी, तो यहाँ पर हो गया घ, यहाँ पर देखिए घ, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर लग रहा है इसमें कि हा भी, सुनने में क्या लग रहा है, हा भी है इसमें, हा भी लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ह, मतलब जी एच से घ, घ, ठीक है। अंघ, मतलब ये एन भी इसमें शामिल है, अंग देखिए अंघ, मतलब अन, एन भी लग रहा है और जी भी, ग अंग, मतलब जी भी है इसमें, ठीक है, अंग, ठीक है, तो इस तरह से इसमें जी भी होगा, तो कहने का मतलब है एन जी इसमें होगा, इसीलिए अंग, इसका साउंड से ही आपको पता चल रहा है अंग, मतलब एन जी, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर है हमारा च, ठीक है, तो च के लिए सी एच, सी एच च हो गया छ, इसमें भी देखिए सी एच में ह लग रहा है छ,
मतलब इसमें नहीं लग रहा है कि ह का भी साउंड आ रहा है, इसीलिए हम डबल एच से लिखते हैं। ये हो गया सी एच, च छ का हो गया सी डबल एच, और ज के लिए हम क्या लिखेंगे, जे, और कभी कभी जेड भी लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है। और झ देखिए यहाँ पर ह का साउंड आ रहा है, ह का, इसीलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर एच, मतलब झ, ठीक है। उसके बाद यम, मतलब देखिए इसमें नहीं लग रहा है कि मतलब इसमें एन भी है और वाई भी, इसका यूज उतना नहीं होता है, नहीं के बराबर इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसका यूज जो है उतना होता नहीं है, मतलब मिनिमम तौर पर इसका यूज लोग करते हैं। कभी कभी इसे पंच वगैरह लिखते हैं तो इसका यूज होता है, अदरवाइज तो इसे पंच से भी लोग बिंदा से काम चला लेते हैं, नहीं लिखते, बहुत मतलब न्यूनतम इसका यूज है, ठीक है। किसका, यहाँ का, ठीक है। तो ये किससे होगा, एन वाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा है कि टी, आप अगर देखिएगा ये दोनों ग्रुप जो है, एक ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों का एकदम इंग्लिश सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए है हमारा ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। तो यहाँ टी से हो रहा है ट, टी एस से ठ, डी एस से, डी से ड, और डी एस से ढ, ढ, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ढ, मतलब एच है इसमें, ठीक है। एच का इसमें साउंड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें देखिए ठ, ठ पढ़ना है, ठ, एच का साउंड आना चाहिए, तो यह ठ हो गया। और न, इसको भी न, कोई कुछ लोग इसको मूर्धांत न, मतलब एक अलग सा नाम दे देते हैं, लेकिन ये भी न ही है, ठीक है। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और सेम देखिए नीचे में भी आपको मिलेगा, त के लिए भी टी। अब बात है कि जैसे जैसे यूज होगा वैसे आपको करना है, हाई सेम टी एच के लिए क्या होना होगा, यहाँ पर थ है, थ, टी एच मतलब थ, थ इसको पढ़ना है, एच का साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। ये देखिए ढ, ढ मतलब ढ, ये तो डी हो गया। अब देखिए ध, ध मतलब एच, एच लगा हुआ इसमें, तो कहने का मतलब ये ह का साउंड दे रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डी एच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी, मतलब ये सभी लेटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये है फिर ना, तो ये दोनों जो आप ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम ही आपको इंग्लिश में मिला होगा, एकदम सेम ही। अब बात है वहाँ पर यूज करने पर अंतर है, वहाँ जैसे आप लिखिएगा तो इसे ऑटोमेटिक आदमी को पता चल जाता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि आखिर शब्द क्या होना चाहिए। जैसे अब ठंडा लिखा हुआ है तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि तंडा तंडा होगा लिखा हुआ, ये तो लिखा होगा, नहीं ना। उसी तरह से कॉमन सेंस भी लगाया जाता है कहीं कहीं, ये नहीं कि हर जगह का रूल ही होता है, हर जगह का रूल बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मेडिसिन जब मेडिसिन आपको देते हैं क्या करते हैं, मतलब वो दो लेटर ऐसा लिख देते हैं साहब के वहाँ क्लियर हो जाए, बाकी क्या करते हैं घस देते हैं। तो मेडिकल वाला कॉमन सेंस लगा करके समझ जाता है, वो फलने में दवाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर प, प के लिए आप पी लगाइए और पी एच लगाना होगा आपको फ के लिए। इसमें देखिए एच है, एच वाला साउंड है, और कहीं कहीं पर शॉर्टकट में लोग इसको क्या करते हैं, मतलब एफ से भी इंडिकेट करते हैं पी एच, मतलब फ को, ठीक है। उसी तरह से कि ब, ब के लिए क्या यूज करते हैं बी, ठीक है। अब देखिए ये भ है, भ, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे भ। तो भ के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बी एच आ रहा है, क्या आ रहा है, बी एच। और ये देखिए म, म के लिए म, म, ठीक है, मतलब एम, एम, देखिए साउंड वही है, आपको खाली लग रहा है कि उल्टा म, म मतलब, म मतलब क्या, इसे एम, एम, ठीक है, तो म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हमारा है, देखिए ये है फिर या, या के लिए हम लिखते हैं वाई, ठीक है, और र इसको पढ़ेंगे, र के लिए हम क्या लिखते हैं, र, 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 मतलब नहीं लगता है कि उसमें आर है, र, ठीक है, र के लिए क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। उसके बाद देखिए ल, ठीक है, ल के लिए ल, 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 मतलब एल है उसमें, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये है व, व, व के लिए भी या डब्ल्यू लिखते हैं, भी या डब्ल्यू, ठीक है। और देखिए य हो गया वाई, र हो गया आर, ल हो गया एल, और व के लिए वी या फिर डब्ल्यू, ठीक है, वी या फिर डब्ल्यू। और ये इसको कुछ लोग ताला भी स बोलते हैं, लेकिन ये भी स ही है, ठीक है। स के लिए स, इसको पढ़ेंगे स, ठीक है, और इसको स, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा साउंड में अंतर है। देखिए इसको क्या पढ़ना है, स, इसमें एच पूरा छुपा हुआ है, मतलब इसमें, और इसको पढ़ना है स, मतलब इसको तुरंत बोल देंगे स, ठीक है। जैसे सूरज, ज्यादा उसमें हा नहीं होता है, जैसे साह, देखिए अब साह बोलिएगा तो इसमें नहीं लग रहा है कि ये वाला लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर साउंड से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और ये भी
और ये भी यहाँ पर स ही है, ठीक है, ये भी इसमें भी मूर्धन्य स कुछ लोग, ये भी स ही है, ठीक है, ये भी स है, ये भी स है और ये भी स है, अलग अलग जगह सब का यूज होता है, ठीक है, अपने अपने स्थान पर, मतलब जैसा जैसा जो वर्ड बनेगा वैसे उस हिसाब से यूज होता है, ठीक है। और ये फिर आपका हाँ, ठीक है, हाँ के लिए आप क्या देंगे, एच, क्या इस्तेमाल करेंगे हाँ के लिए, एच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो आक्षा मतलब उसमें नहीं लग रहा है कि क भी लगा हुआ है, आक्षा मतलब के भी इसमें लगा हुआ है दिखेगा तो अगर आपको, और आक्षा मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा अच्छा, ठीक है, आक्षा, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देखिए कुछ लोग इसको एक्स से भी लिखते हैं, तो एक्स से भी भाई सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ट्र, त्र, त्र का मतलब हुआ त्र, नहीं लग रहा है कि तो भी है इसमें और आर भी, रो भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, र भी है और त भी है, तो क्या हो गया त्र, ठीक है। अब ग्या, ग्या, गो, या, या, गो, ग के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ जी होता है और या के लिए क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं वाई होता है, वही ग्या का हो गया जी वाई, ठीक है, मतलब ग्या, ठीक है, जी वाई, ग्या, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ग्या के लिए क्या हो गया यहाँ पर जी वाई। उसके बाद है यहाँ पर री, ठीक है, तो री के लिए यहाँ पर आर आई होता है और कुछ लोग एच आर आई भी लिखते हैं, जैसे आप सुने होंगे ऋतिक, जब लोग ऋतिक लिखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर ऋतिक, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं लोग, ठीक है, क्या लिखते हैं ऋतिक, ठीक है, तो इसको देखिएगा कि लोग जो लिखते हैं वो एच आर आई टी एच आई इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऋतिक के लिए क्या लिख देते हैं लोग, एच आर आई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एच आर आई, ठीक है, ऋतिक के लिए, तो कहने का मतलब वहां पर एच साइलेंट है, तो री के लिए क्या करते हैं कुछ लोग, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं री के लिए आर आई का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं एच आर आई का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए दोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आर आई भी इस्तेमाल करना है आपको और एच आर आई भी इस्तेमाल करना है, मतलब अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास ढ, ठीक है, तो ढ का तो वैसे ढ इसमें भी लग रहा है कि एच है, तो ये देखिए इसमें जो है डी एच भी इस्तेमाल होता है और आर एच भी इस्तेमाल होता है, वो इस तरह ड के लिए कुछ लोग डी भी लगाते हैं और आर भी लगाते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे अलग अलग इस्तेमाल है इसका। और स्रा, स्रा में लग रहा है कि सो भी है और यहाँ पर आपका र भी है, तो स्रा के लिए क्या यूज करेंगे एस एच आर, ठीक है। और यहाँ पर है देखिए ज, ज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम जेड, ठीक है, ये मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि संक्षिप्त में ज है, आधा ज, ठीक है, इस तरह का मतलब इस तरह का भी कभी कभी यूज होगा। और यहाँ पर देखिए ये है आ चंद्र बिंदु, ठीक है, तो यहाँ पर ये चंद बिंदु के लिए हम क्या लगाते हैं, चंद बिंदु के लिए एन लगाते हैं और आ के लिए जो है आ के लिए क्या लगाते हैं हम यहाँ पर डबल ए, ठीक है, आप सिंगल ए से भी काम चला सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं इसका चाहे तो, ठीक है। और यहाँ है आ और चंद, ठीक है, चंद के लिए यहाँ पर ओ आता है, ठीक, आ, ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब इस तरह से ये था हमारा पूरा का पूरा वर्ण, पूरा का पूरा हमने वर्ण देखा। इंग्लिश में अगर हम वर्ण की बात करें टोटल 26 है, हिंदी में क्या है 52 है, तो पूरा हमने 52 देखा। अब चलिए हम लोग इसका 12 खड़ी देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग नाम लिखना इसका शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है 12 खड़ी, ठीक है, इसको मतलब 12 खड़ी जिसको आप कहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप टोटल अगर इसको काउंटिंग करेंगे तो ये है हमारा 12, ठीक है, मतलब ये किसी भी लेटर के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क के साथ लगाया, आप ख के साथ भी लगा सकते हैं, ग के साथ भी लगा सकते हैं, ज के साथ भी लगा सकते हैं, प के साथ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, मतलब ये 12 खड़ी है। आप इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आ है, तो आ के लिए जैसे हमने क, इसमें देखिए इसमें यही है के से हम इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा इसको संधि विच्छेद करिएगा तो इसमें आ भी है का, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसी से हम इसको बनाए हुए हैं, हर सही मतलब इसको ई जो पढ़ते हैं की, इसको इसमें इंक्लूड किया है, इसमें के लिए इंक्लूड किया है, उसके बाद डबल ई के साथ इसको इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर इसको अगर आप सही से करिएगा तो यहाँ पर अगर आप ए भी लगा दीजिएगा तो ये का नहीं क भी हो सकता है, इसमें भी देखिए क प्लस अ इसमें भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक्चुअली हम लोग लिखते नहीं है इस तरह से, लेकिन ये एक्चुअल में इससे होता है, यहाँ पर भी आप एड डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है की मतलब डबल ई, अब देखिए कू, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से हम इसको उठाए हुए हैं, ठीक है,
और के लिए क आ गया है, क के लिए क्या आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क के लिए क्या आ गया, उसके बाद मतलब बड़ी ऊ है ये डबल ओ दिए हुए हैं, उसके बाद ए है यहाँ पर क के लिए के और ए के लिए ई, इसी 12 खड़ी को हम इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। आई के लिए देखिए यहाँ पर भी आई लगा हुआ है, ठीक है, दो गो आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तो ये हुआ सिंबॉलिक, एक ए है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आई के लिए हम क्या करेंगे, क के लिए के हो गया, उसके बाद ए आई। अब देखिए को मतलब के हो गया, क के लिए उसके बाद क्या हो गया ओ, उसके बाद औ, देखिए औ के लिए हम यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ए यू भी लिख सकते हैं और ओ यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, के हो गया इसके लिए, क के लिए और ए यू हमने लिख दिया, आप ओ यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से क जो है के ए एन, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम देखिए ए एन यहाँ पर लिखे हुए हैं और के लिए के, और यहाँ पर देखिए के लिए क हो गया, ए एच यहाँ के लिए लिखे हैं विसर्ग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 12 खड़ी किसी लेटर के साथ आप बना सकते हैं, क के साथ, ख के साथ, ग के साथ, आपको जोड़ना बस यही है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कुछ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ नाम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग नाम लिखेंगे इसके साथ में। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ नाम ले लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 खड़ी के साथ क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, मतलब कुछ नाम मैंने लिया हुआ है, आप इसको लिखिए आराम से, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 खड़ी सब के साथ मतलब किसी भी लेटर के साथ आप ये जोड़ सकते हैं, जैसे क के साथ मैंने जोड़ा था अभी जस्ट, ख के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, ग के साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब आप किसी का भी नाम लिखने जाते हो तो ठीक है, वहाँ पर ध्यान रखना है कि लेटर में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जिससे इंग्लिश का कुछ वोवेल है, जिससे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए दो लेटर के बीच में ये इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली ए आ जाता है, ठीक है। ये पूरी तो नहीं कर सकते, एक रूल ही ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 98% ये फॉलो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे राम है, आपको आपको पता होना चाहिए, इसका अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आर और एम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लेटर के बीच में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। और ई लेटर में से कुछ भी आ रहा है तो वहाँ पर ए नहीं लगाना है। मान लीजिए जैसे अगर यही इसी लेटर को हमको लिखना होगा, रीम लिखना होगा, तो आर डबल ई आ ही रहा है तो ये ई आ गया, अब यहाँ पर ए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एम लिख देंगे। मतलब ये जान लीजिए तरीका कि ये इन पांच में से कोई भी लेटर अगर आ रहा है वहाँ पर, ये वॉवेल है इंग्लिश का, तो वहाँ पर फिर आपको ए नहीं लगाना है, ठीक है। इस कंडीशन को आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी आप ए लगा दीजिएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इधर कुछ नाम को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, क्या क्या, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश का वॉवेल है। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कलम, ठीक है। इसको अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होता है, क जोड़ आ और जोड़ ला और जोड़ आ और जोड़ मा, ठीक है। देखिए के अब के कितना हो गया, तो के से क हो गया, ठीक है, और आ का क्या हो गया, ए और एल हो गया और फिर ए हो गया और फिर जोड़िएगा एम, ठीक है। तो ये हुआ कलम, ठीक है। आप अगर सिर्फ लिख दीजिए के एल एम तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और अभी भी जस्ट मैंने कहा कि अगर बीच में कोई लेटर नहीं है तो ए लगा देना, जैसे के आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है, तो बीच में ए ए डाल देंगे तब जाकर के हमारा सही होगा, ये हमारा क्या है, सही है नाम, ठीक है। इस तरह से जैसे हमारा आ रहा है गणेश, गणेश को देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जी तो पहले लिख देंगे गणेश के लिए, जी हो गया, ठीक है, जी। अब देखिए फिर इसके लिए एन आ रहा है तो बीच में तो भाई साहब कुछ होना चाहिए, बीच में अगर कुछ नहीं है तो ये ए डाल दीजिए, ठीक है, तो जी ए डाल दिए, ठीक है। बीच में अगर ये पांचों में से अगर कोई वर्ड है तब तो नहीं डालना है, अगर नहीं है तो डालना होगा वहाँ, ठीक है, जी ए एन। उसके बाद देखिए ये ए है, ए के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, हमने पढ़ा है ई, ठीक है, तो ई हो जाएगा, और फिर ये एस है, ई है, एस के लिए एस एच होता है, तो ये हो गया हमारा जी ए एन ई एस एच। अब कहिएगा सर यहाँ आपने क्यों नहीं डाला ये, तो वही कंडीशन भाई साहब, यहाँ पर ई तो आ ही गया, ये पांचों में से कोई लेटर अगर आ रहा है तो ये नहीं डालना है वहाँ पर, ठीक है। ये जब ऑटोमेटिक जहाँ पर है, या फिर ई है, या ओ है, या यू है, कुछ भी है, आई भी है, तो फिर वो नहीं डालना, तो क्या हो गया जी ए एन ई एस एच, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है सु, तो एस हो जाएगा एस सा। अब देखिए हर्षऊ के लिए क्या आता है यहाँ पर, मतलब जिसको कहते हैं आप ऊ, ठीक है, ऊ, हर्षव ने इसको ऊ बोलना है, ऊ के लिए यहाँ पर आ जाता है यू, ठीक है, यू दे दिए। अब भाई साहब ए देने की जरूरत नहीं है, कहिएगा क्यों सर,
क्योंकि ये पांच में तो यू आ रहा है, देखिए इसी में आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर ए नहीं देंगे, ठीक है। एस यू, अब देखिए एन आ जाएगा डायरेक्ट न का, और ये है आपका ई, मतलब बड़ी ई है, ठीक है, तो डबल ई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर ई आ गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अब ए देने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट टी दे देंगे अगला लेटर, फिर यहाँ पर आ आ रहा है तो ए दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग समझ लेते हैं कि नहीं बड़ी ई नहीं देखिए छोटी ई ही दे दो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करते हैं इस तरह से नहीं लिख करके, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं एस यू एन आई टी ए, तो ये भी आपका सही है, ये संक्षिप्त में हुआ, लेकिन ये रियल पूरा अगर कहिएगा तो इस तरह से एस यू डबल एन ई टी ए, लेकिन आजकल शॉर्ट का जमाना है भाई, शॉर्ट मारो और निकलो क्या, तो वही सेम यहाँ कंडीशन है, तो क्या हो गया एस यू एन डबल ई टी ए ये भी लिख सकते हैं, या फिर एस यू एन आई टी ए भी, ये भी आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कामेश्वर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे के हो जाएगा, और आ के लिए यहाँ पर डबल ए होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग सिंगल ए से भी यहाँ पर काम चला लेंगे, मुझे पता है सिंगल ए से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर पूरा आपको लिखना हो तो का हो गया। अब देखिए एम मा का हो गया, चूंकि ये लेटर रहिएगा, अब ए कितना दीजिएगा, और ए है यहाँ पर, ए का क्या हो जाएगा ई, ठीक है, तो काम में। अब देखिए ये फिर स है यहाँ पर, तो एस एच, अब बीच में ये नहीं डालना क्योंकि इसमें से एक लेटर आ ही गया है, काम में स्व। अब देखिए के ए डबल ए एम ई एस, अब देखिए एस एच, ठीक है, एच तो इसमें नहीं आ रहा है, ए फिर डालना होगा हमको, ठीक है, ए डाल देंगे, अगर ई सब में कोई लेटर एच तो ई सब में है नहीं, तो इसलिए ए डाल देंगे। अब डब्ल्यू लगा दीजिए या भी लगा दीजिए, चलिए हम डब्ल्यू लगाते हैं, फिर देखिए बीच में अब रन रा आ जाएगा, क्योंकि ये सब में कोई लेटर होना चाहिए बीच में ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए लगा दीजिएगा, फिर आर, तो के डबल एम ई एस एच ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए आर, ठीक है, मतलब कामेश्वर, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर के ए से भी काम चला लेते हैं, के ए एम ई एस एच ए डब्ल्यू ए आर, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ है एक राम, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए पहले ई लगाएंगे, ए के लिए हमने क्या पढ़ा ई, ठीक है, अब देखिए फिर ई आ रहा है, तो ए ई आई ओ यू, इसमें से देखिए आ ही रहा है, तो यहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम के लगा देंगे। कहिएगा क्यों सर ये बीच में क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये सब लेटर में से कोई आ रहा है तो ए नहीं देना, ई आ ही रहा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आर, और यहाँ पर आर ए एम भी लिख सकते हैं, चाहे तो डबल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक राम, ठीक है, ये हो गया हमारा एक राम, ठीक है, ई के आर ए एम, बीच में ए लगाने की जरूरत, ये देखिए क्यों क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ये अलग है, थोड़ा सा वर्ड ये अलग है, ठीक है, एक राम, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका मन है कि नहीं यहाँ ए लगाएंगे सर, तो लगा सकते हैं हालांकि, लेकिन दोनों ये देखिए अलग अलग थोड़ा सा वर्ड लगता है एक राम, तो यहाँ पर आप ए नहीं भी लगाइएगा तो एक के आ रहे हम, ठीक है, इस तरह से भी चल जाएगा, यहाँ ए नहीं भी लगाइएगा तो भी आपका चलेगा इस तरह से, ठीक है, एक राम। अब देखिए यह यहाँ पर क्षत्रिय, क्या है क्षत्रिय, तो ये अक्ष, इसके लिए हम पढ़े हैं क्या कि के एस एच होता है इसके लिए, ठीक है, तो के एस एच हमने दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ये देना होगा, कहिएगा सर ये क्यों देंगे, क्योंकि ये सब में कोई लेटर तो नहीं है, एच है, तो फिर तरह का होता है टी आर आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, या का वाई, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, तो यहाँ पर आप एकदम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एकदम इसको लिखिए। और हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ हमने जो क्षत्रिय लिखा, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ए भी लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि देखिए सब का तो एक रूल होता नहीं, जैसे मान लीजिए आप कभी पर कभी सुने, जैसे नाम आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आदित्य, ठीक है, तो लोग इसको क्या लिखते हैं, लास्ट में वाई ए लिखते हैं, ठीक है, अक्सर आप देखिएगा जहाँ पर भी मतलब लास्ट में वाई आ रहा है अक्सर ये होता है, तो उसके बाद ए होता ही है, ठीक है, लास्ट में अगर ये आ रहा है वाई तो ये ए हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप सॉरी लिखिएगा तो इसको भी आप वाई ए होता है लास्ट में, सॉरिया, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जैसे इसको हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एस ओ यू आर वाई ए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वाई की, जैसे आदित्य लिखते हैं क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं ए डी आई टी वाई ए, ठीक है, आदित्य, तो कहने का मतलब इसी तरह से
यहाँ पर क्या हो गया क्षत्रिय का क्या लिखे क्षत्रिया, ठीक है। तो बहुत सारे नाम जैसे धर्मेंद्र होता है तो उसमें भी डी के बाद भी हो जाता है, आर के बाद भी हो जाता है अक्सर, ठीक है। आर भी लास्ट में आता है तो वहां पर भी ये लगा देते हैं हम लोग, लास्ट में अगर आ रहा है ध्यान दीजिएगा, लास्ट में यानी कि शुरू में, लास्ट में, ठीक है, तब उस कंडीशन में लगाते हैं। अब वर्षा यहाँ पर, ठीक है, तो भी हो जाएगा वी ए आर, कहिएगा सर यहाँ ए क्यों दिए, क्योंकि मैंने वही फिर बताया वर, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो रेफ है ना यहाँ पर बीच में है, समझिए र है, र का उच्चारण दे रहा है तो इसलिए आर हो जाएगा। अब एस एच होता है ये वाला, ठीक है, और आ हो गया इसके लिए, ठीक है, तो वर्षा, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए भाग्यवान है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भ है तो बी एच हो गया, बी एच से भ, उसके बाद फिर आ है तो ए दे देंगे। अब देखिए ग है छोटा तो यहाँ पर जी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा तो ए दे दीजिए और यह के लिए वाई दे दीजिए, तो क्या हो गया भाग्य, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, पूरा एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आप वाई दे दीजिए गो, ठीक है, फिर डब्ल्यू हो गया क्योंकि बीच में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, ए एन दे दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे तो आ कर का डबल ए भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं आपका यदि मन हो तो यहाँ पर डबल ए भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सिंगल ए से भी आप काम चला सकते हैं या डबल ए भी दे सकते हैं, ठीक है, तो ये डबल ए भी दे सकते हैं आपकी मन हो तो, ठीक है, नहीं तो एक ए से भी काम यहाँ पर चल सकता है, अगर आप संक्षिप्त मारिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर काम आपका, तो बी एच ए जी ए वाई ए डब्ल्यू एन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है यहाँ वैभव, तो यहाँ पर क्या करेंगे वी दे देंगे इसके लिए, और आई के लिए यहाँ पर हमने देखिए क्या पढ़ा है, आई, हाँ आई के लिए ए आई तो वी ए आई। अब देखिए अब आई आर है बीच में तो ए देने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही लेटर है वैभव, बी एच फिर भ का हो गया फिर ए फिर वी, ठीक है, वैभव, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा बी, देखिए आई बी एच हो गया फिर ए डाल दिए फिर वी डाल दिए इसके लिए, ठीक है। अब देखिए ऋतिक, ऋतिक नाम थोड़ा सा अजूबा है, ठीक है, ऋतिक के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर री, तो पहले तो क्या लिखेंगे, और हमने आपको पहले शुरू शुरू में बताया था री का इंग्लिश आपको हमने दिखाया था इसी में कि आर आई भी लिख सकते हैं और एच आर आई भी, यहाँ पर एच साइलेंट इस तरह से नाम इसका लिखा जाता है, ठीक है, किसी किसी नाम में थोड़ा स्टाइलिश फैशन भी होता है, ठीक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर एच आर आई से भी लिखते हैं आजकल लोग, ठीक है, हालांकि आर आई से भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, तो एच आर आई, उसके बाद यहाँ टी एच आई के होता है, ठीक है, देखिए टी के लिए रिथिक, मतलब इस तरह से रिथिक, यहाँ पर पूरा टी का भी उच्चारण त का नहीं होता, थोड़ा सा लगता है कि ठी हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश में तो वही होता है रिथिक, आर एच आर आई टी एच आई के रिथिक। अब रोशन लिखिएगा रिथिक रोशन, कुछ लोग कहते हैं सर पूरा नाम लिखिए रोशन, तो रोशन आर ओ एस एच एन हो जाएगा रोशन, ठीक है, रोशन, तो रिथिक रोशन एच आर आई टी एच आई के रिथिक रोशन, जिसका नाम होगा रिथिक रोशन वो लिखते भी होंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर है पूजा, तो उ है यहाँ पर, देखिए उ, उ के लिए डबल ओ होना चाहिए, पी डबल ओ, अब बीच में तो बीच में देखिए ए नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें से कोई लेटर आ रहा है तो ए नहीं डालना है, फिर ज के लिए जे आ गया और डबल ए दे दीजिए, या एक ए से भी आप काम चला सकते हैं, पी डबल ओ जे ए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में छोटी ऊ का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो पी यू जे ए, आजकल संक्षिप्त का दुनिया है तो दोनों ही सही है चलेगा, ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा है कि पी डबल ओ डाल दीजिए। कृषि, देखिए री, इस तरह का भी जो री वाला है यहीं पर हम देखिए री यही वाला इसमें लग रहा है, तो यहाँ के आर आई देंगे चूंकि आर आई से री होता है, यहाँ पर अब एच साइलेंट नहीं करिएगा, के ऑलरेडी है, अब एच वाला लगाइएगा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर यही वाला लगाना है के आर आई, और एस आ के लिए एस एच होता है, बीच में तो ए डालना नहीं, इसमें से लेटर आ रहा है, उसके बाद एस एच आई, के आर आई एस एच आई, कृषि हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा शांत, ये स के लिए क्या होता है एस एच, उसके बाद अंग, यहाँ पर देखिए अंग के लिए ए एन होता है, ए एन और त के लिए टी, तो शांत हो गया एस एच ए एन टी शांत। अब देखिए प्रीतम आ रहा है यहाँ पर तो पी हो गया, री है यहाँ देखिए पी, तो री के लिए फिर आर आई, अभी जहाँ देखिए री, री के लिए क्या लिखते हैं आर आई, तो पी आर आई, फिर क्या हो गया यहाँ आई आ गया, तो अब ई वाला लेटर हमको नहीं डालना है तो डायरेक्ट यहाँ टी डाल दीजिए टी, और बीच में देखिए फिर एम आ जाएगा, फिर दिक्कत है, इसमें से कोई लेटर एक होना चाहिए तो ए डाल देंगे, फिर क्या डाल देंगे एम, मतलब एक लेटर के बाद दूसरा लेटर लिखने के लिए इसमें से कोई लेटर जरूर होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें से ये जो वॉवेल आप देख रहे हैं पांच को, इसमें से एक लेटर के बाद दूसरा लेटर में इसके बीच में ये कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए, हर वर्ड में आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब ये तो अलग चीज़ है, ये देखिए ये तो एक ही वर्ड के लिए, एक ही लेटर के लिए आया है तब ना,
और जो एक दूसरा लेटर जैसे ही चेंज करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर वी से इसमें गए तो ए बीच में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए वी के लिए वी हो गया, अब बीच में कुछ नहीं आ रहा, आर आ रहा यही बोला तो यहाँ पर ए आ गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्योंकि ये एस एच से एगो बन रहा है, एगो अथी बन रहा है लेटर, तब ना नहीं यहाँ पर नहीं दिए इसके बीच में, नहीं तो क्या देते इसके बीच में पी आर आई टी एम, ये हो गया प्रीतम, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आप जितना चाहे। अगर मान लीजिए किसी भी नाम में आपको लिखने में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में उस नाम को लिखिए, मैं उस नाम का आपको लिख करके दे दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब WhatsApp पर किसी से चैट करते हैं तो इस तरह से कुछ इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं, तो इसको आप देखिए कैसे लिखिएगा जो कि सही सही आपका, हालांकि हम लोग WhatsApp पर गलत भी लिख देते हैं तो वो भी सही हो जाता है, एकदम शॉर्टकट में मार देते हैं हाई के लिए एच, क्या मतलब पूरा ही संक्षिप्त का दुनिया हो गया है। लेकिन देख लीजिए अगर आपको सही सही लिखना है तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले देखिए मुझे का क्या लिखिएगा, एम यू मुँह हो गया, जे एच से झ फिर ई का ए मतलब मुझे, पी एच से फ फिर ओ के लिए ओ फिर न के लिए तो मुझे फोन, अब देखिए के हो गया के, अब देखिए आधा क है तो इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ये भी पहचान है, वाई वो क्यों हो गया तो मुझे फोन क्यों, अब देखिए नहीं को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी एक बिंदा रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदा रहता है तो एन ए एच देखिए नहीं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एन ए एच, उसके बाद आई या डबल ई दे सकते हैं इसके लिए मतलब बड़ी ई के लिए, फिर एन नहीं ये हुआ, इसको आप संक्षिप्त में इसे भी लिख सकते हैं एन ए डबल ई का आई या फिर एन एन ए एच आई एन नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हैं के किया मतलब के आई की, अब देखिए वाई डबल ए भी दे सकते हैं या सिंगल ए से भी काम चला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया किया तो मुझे फोन क्यों नहीं किया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे चैट करने के दौरान लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कल, कल के लिए क्या लिखिएगा के एल कल बीच में आ रहा है, हमने अभी जस्ट बताया था आपको कि बीच में ये ए ई आई ओ यू इसमें कोई लेटर होना चाहिए वो, ठीक है। अब देखिए मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, देखिए डबल ए है यहाँ पर आए, तो आई के लिए अभी जस्ट हम क्या पढ़े थे पता है, ए आई पढ़े थे, क्या पढ़े थे ए आई, और इसमें पता है एक बिंदा भी है, इसमें क्या एक बिंदा भी है तो एम एम ए आई और बिंदा के लिए क्या लिखेंगे एन, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा एम ए आई एन, हालांकि इसको कहिएगा मैन हो गया लेकिन मैन नहीं मैं कल मैं एम ए आई एन मैं, इसमें बिंदा भी एगो होता है, ठीक है, तब होता है मैं, और एक होता है मैं, तो मैं के लिए आप क्या लिखिएगा एम ई एच आई एन, ठीक है, मैं यह हो गया, दोनों में अंतर है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कल मैं पटना पी ए टी एन ए, ठीक है, पटना, उसके बाद जा रहा हूँ एच यू, यहाँ पर एच यू एन भी लिख सकते हैं या हूँ का डबल ओ भी लिख सकते हैं, ऊ का डबल ओ फिर एन, ठीक है, हूँ यही हो गया, ठीक है, मैं पटना जा रहा हूँ, ठीक है, एच डबल ओ एन लिख सकते हैं या आप संक्षिप्त में अगर मारना चाहते तो एच यू एन लिख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है तो एम यू जे एच ई मुझे एन ए एच आई एन दे दीजिए, नहीं पी ए टी ए पता एच ए आई एन है, ठीक है, ये हो गया मुझे नहीं पता है, ठीक है, उसी तरह से लिखे, ठीक है भाई, टी एच के लिए टी के लिए टी और आई दीर्घिकार के लिए भी आई लिख सकते हैं या डबल ई भी लिख सकते हैं, फिर क्या हो गया ठीक एच ए आई एन है क्योंकि यहाँ पर भी एक बिंदा होता है भाई। अब देखिए भाई के लिए पहले तो भाई के लिए बी एच देंगे और देखिए आ मतलब ए हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ये दीर्घ है मतलब इस तरह से तो डबल ई देना होगा, ठीक है, लेकिन संक्षिप्त में आप यहाँ पर ई के लिए मतलब ई के लिए बड़ी ई के लिए आई भी लिख देते हैं कुछ लोग तो बी एच ए आई, तो ये भी चलेगा, दोनों एकदम संक्षिप्त का दुनिया है, तो ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर है सुनिए भैया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस देखिए यहाँ पर क्या है सु तो एस यू, ठीक है, अब एन हो गया ना के लिए, चूंकि देखिए बीच में ए क्यों नहीं डाले क्योंकि इसी में लेटर कौन आ रहा है यू आ रहा है इसी में लेटर है गो, अगर ये लेटर नहीं आता तब ए डालते यहाँ पर, हर्षी का मतलब इसको ई पढ़ते हैं ई तो ई के लिए आई दे देंगे और य के लिए वाई और ए के लिए ए ठीक ई, ठीक है, तो सुनिए। अब देखिए भैया बी एच से भा हो गया, अब आयकार है तो आयकार का भी जस्ट हम लिखे यहाँ पर ए आई भाई, अब य के लिए या और आ के लिए आ हो गया भैया, अब जी के लिए जे डबल ई भी दे सकते हैं कुछ लोग यहाँ संक्षिप्त में जे आई भी लिखते हैं, ठीक है,
तो जी हो गया। अब देखिए दाल में कुछ कला है, नहीं बोलते हम लोग बोलने के टाइम में, ठीक है, दाल में कुछ कला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, डी ए एल दाल, उसके बाद डी, देखिए डी से डा और मे एम ई, चूंकि ये देखिए दोनों मे में एगो मैं है डबल आई कर है, एगो में ए है, तो इसमें क्या होगा एम ई आई एन हो जाएगा मे दाल में। अब देखिए कुछ के यू सी डबल एच, देखिए कु के लिए हो गया के यू, अब छ के लिए क्या हो गया सी डबल एच छ, अब देखिए काला तो क्या हो जाएगा के ए, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं डबल ए का, उसके बाद ला का ला, एगो ऐसे भी आप काम चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाय का क्या लिखेंगे एच ए आई एन, ठीक है हाय, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर आप लिखते हैं इस तरह से शुद्ध शुद्ध, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी को हम इंग्लिश में लिखे हैं, मतलब जैसे यानी किसका इंग्लिश लिखे हैं, हिंदी को इंग्लिश में लिखे हैं, जैसे मुझे का मुझे, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट हम नहीं किया है, एकदम हिंदी में लिखे हैं, ठीक है, समझिए इंग्लिश का खाली लेटर इस्तेमाल किया और हिंदी में लिखे, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे वर्ड को पढ़ने के लिए इंग्लिश का, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंग्लिश का वर्ड पढ़ने के लिए सीखेंगे, कैसे हम लोगों को वर्ड पढ़ना है, मतलब ये नाम वाला नहीं, इसमें तो नाम वाला हमने लिखने के लिए सीखा, इसमें सीखेंगे वो ए बी सी डी से, जैसे हम लोग बनाते हैं मैंगो, तो मैंगो कैसे होगा, उसके बाद कैसे उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि एस सी से क भी बन जाता है, सी से च भी बन जाता है, और सी से मतलब स भी बन जाता है, ठीक है, क भी बन जाता है, च भी बन जाता है, और स भी बन जाता है सी से, तो ये सब भी हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।